नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्वल गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने हनुमान की तुलना बजरंग दल से करने के लिए पीएम मोदी से माफी की मांग की। धरने पर बैठे पहलवानों ने लौटाई सुरक्षा, बजरंग पूनिया ने स्टूडेंट से मांगा साथ। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 3,720 नए मामले दर्ज, 20 मौतें। तमिलनाडु में भाजपा को बढ़ता देख डीएम की सरकार का दाव, मंदिरों की 4200 करोड़ की भूमि से कब्जा हटवाया। एनआईए ने आतंकी साजिश मामले में जम्मू कश्मीर में 12 जगह मारे छापे। द केरला स्टोरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है। नीतीश कटारा मर्डर केस, दिल्ली हाई कोर्ट ने विशाल यादव की पैरोल की मांग की खारिज। बिहार के भोजपुर में जश्न के दौरान फायरिंग में एक लड़के की मौत। झारखंड में गुमला में सड़क हादसे में 5 की मौत, कई घायल। राजस्थान विधानसभा चुनाव, राजस्थान को जातियों में झोंकने की तैयारी, जाति के आधार पर कभी नहीं बना कोई सीएम। राजस्थान में पाकिस्तानी ड्रोन से आई 2 करोड़ की 450 ग्राम हीरोइन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। सुजानगढ़ में फायरिंग, षड्यंत्र में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार उपलब्ध कराए थे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश जाजड़िया हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार। अखिलेश का आरोप, बसपा भाजपा से अंदर अंदर मिली। फिल्म छत्रपति का ट्रेलर रिलीज, एक्शन और मनोरंजन की भरपूर डोज। ग्रैंड मास्टर किम योंग हो द्वारा सम्मानित हुए साजिद खान। आईपीएल 2023 हार्दिक का अर्धशतक गया बेकार, दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रन से हराया। भारतीय अमेरिकी के सामने झुके मस्क, मानहानि केस में सुलह के लिए देंगे $10,000। रॉकेट फायरिंग के जवाब में इजराइल ने गाजा के सैन्य चौकों पर किया हमला। दक्षिणी कोरिया में एक दिन में कोविड के 20,000 नए मामले दर्ज। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करें और खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद।